हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर क्वाइट गुड। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आई होप आप लोगों की सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आप लोगों सभी को पता है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर चुके हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो और देखना उनको, ताकि आज का जो हमारा ये पार्ट थर्ड है आपको समझ में आ जाए कि किस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और पीछे वाले को आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो अब तक हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हम क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं, बुक के अंदर देख लेते हैं। और आज का पैटर्न आपका PDF पर रहने वाला है, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम बुक से ही पढ़ रहे हैं और क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है, इसके लिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और क्या देखा था हमने? हाँ, मैटर की प्रॉपर्टी, जैसे कि ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये तो हमारे लिए, कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर जिन जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है ना, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, काफ़ी सारी जगह होती है। और इसके अलावा सेकेंड हमने ये पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, इसके मैटर के, वो हमेशा क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा मूविंग करते रहते हैं उनके पार्टिकल, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, तो वो कहीं ना कहीं इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, याद है या भूल गए आप लोग बताऊँ? तो थर्ड प्रॉपर्टी ये रही बच्चों आपके सामने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप ये कुछ यहाँ पे लेडीज़ को देख सकते हो जो क्या कर रही है, एक दूसरे को हाथ थामे हुई है, तो ऐसे में ये क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखी हुई है, और क्या बना रही है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रही है अपने बीच में, बंधन बना रही है। तो ये तीन प्रॉपर्टी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी है ऐसे तो आपके एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पर देखो आप लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, और हाँ, ये जो बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं ना बच्चों आपके सामने, जैसे थर्ड क्वेश्चन ये रहा, इसके अलावा सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, तो इन सभी के आंसर मैं आपको अपने जो ग्रुप है ना उसके अंदर मैं डाल दूंगा, ताकि आप सीधे उसके अंदर नोट कर लेना आपको, क्योंकि इसके अंदर बुक के अंदर आपको एजिटेशन आंसर मिलेंगे नहीं, आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप एक जगह से उनको नोट कर लेना। और इसके बाद में भी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे, स्टेट ऑफ मैटर में कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है ना, ऐसे सॉलिड और एक लिक्विड, और थर्ड वन कौन सी है बताओ, याद है? गैस। ये रही हमारी गैस स्टेट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों के बारे में हमने टेबल बना के डिस्कस किया था ना। और इसके बाद में आते हैं बच्चों हमारे प्यारे से क्वेश्चन। अभी मैं इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, और इनके जो सॉल्यूशन हैं आपको मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको मैं ग्रुप के अंदर इनके PDF सेंड कर दूंगा, तो उससे आप लिख लेना डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अपन समझ लेते हैं, समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये बच्चों आपको डिफाइन दे रखी है डेंसिटी की, लिख लेना, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी वर्ड तो पढ़ने में आ गया, बट इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, अगर इसको समझना चाहे तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो बच्चों देखो, डेंसिटी से सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो जो सब्सटेंस है आपका कितना हार्ड है। सब्सटेंस से मतलब है कि मैटर, कि आपको मालूम है कि जो मैटर होता है, कोई भी मैटर, अगर वो कोई भी मैटर बनता है तो किन से बनता है? पार्टिकल से मिलकर बनता है। किन से मिलकर बनता है? पार्टिकल से। तो कोई भी मैटर है, उस मैटर के जो पार्टिकल है, उस मैटर के जो पार्टिकल है कि वो कितने पास पास है या फिर कितने दूर दूर है, वो यही बताता है कि उसकी डेंसिटी क्या है। अगर उसके पार्टिकल अगर दूर दूर है, जैसे इसमें देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर इसके पार्टिकल थोड़े दूर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कम डेंसिटी है। बट अगर मैं यही क्या करता हूँ, एक दूसरा लेता हूँ सेम साइज़ का ना, जिसका साइज़ सेम हो, सेम वॉल्यूम हो उसका, तो उसके अंदर अब मैं क्या ऐड करता हूँ, इसके अंदर जो मैं वो लेता हूँ पार्टिकल्स वगैरह, इसके जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल क्या है, पास पास है। कैसे? पास पास है, बहुत ही पास पास है ना।
तो देखो इसके दोनों का कंपेयर करके देखोगे इसके पार्टिकल थोड़े पार पार पास पास है ना, तो अगर ऐसा कोई भी मैटर है जिसके पार्टिकल थोड़े पास हो तो उस केस में क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, थोड़ी ज़्यादा होगी। इस मैटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, ये वाला ना, इससे थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा है। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा और कोई ऐसा कंटेनर लेता हूँ, कोई भी कंटेनर जिसके अंदर आप कुछ फिल कर सको, चाहे आप लिक्विड फिल कर सको, चाहे गैस फिल कर सको, चाहे आप कुछ सॉलिड फिल कर सको। तो ऐसा कंटेनर लिया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसके अंदर जो कंटेनर है, इस कंटेनर में जो मैं ऐड करता हूँ उसके पार्टिकल और बिल्कुल पास, ऐसे बिल्कुल चिपक के, है ना, बिल्कुल पास पास में, जैसे है ना, देखो देख सकते हो कितने पास पास में है ना। तो अगर ऐसा पार्टिकल जिसके सॉरी ऐसा मैटर जिसके पार्टिकल बहुत ही पास पास है, तो इस केस में इसकी जो डेंसिटी होगी वो और भी ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा होगी। और ये चीज़ किस में होती है बच्चों, ये तीनों चीज़ें, ये चीज़ किस में होती है, यह तो होती है सॉलिड में, मालूम है जो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसको अपन इजीली ब्रेक नहीं कर पाते हैं। इससे कम किसकी होती है, लिक्विड की होती है, किसकी होती है, लिक्विड की। और थर्ड किसकी होती है, ये हमारी गैस प्यारी सी, इसकी क्या होती है, सबसे कम इसकी डेंसिटी होती है, क्योंकि ये क्या करता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं ये लो डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी, उससे भी ज़्यादा डेंसिटी। तो ध्यान रख जाएगा अब आपको डेंसिटी का मीनिंग है क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसको अब देखो डेंसिटी से मतलब समय, डेंसिटी से मतलब कि वो चीज़ कितनी टफ है, कितनी मतलब कि हार्ड है। गाड़ी बोल सकते हैं, गाड़ी जैसे एक तो होता है घी होता है, एक होता है तेल होता है, तो घी और जो ऑयल होता है उसमें डिफरेंस होता है ना, घी थोड़ा गाढ़ा होता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल से और आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे, जैसे एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चौक, कॉटन एंड आयरन। अब आपको क्या करना है, इसमें इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि डेंसिटी किसकी किसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम होती है बच्चों एयर की होती है। किसकी होती है, एयर की होती है, क्योंकि एयर क्या होती है, लाइट होती है, हर कहीं पे चली जाती है ना। तो सबसे कम किसकी होगी, एयर की होगी। तो मैं लिख लूँ इधर, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो बच्चों एयर की डेंसिटी सबसे कम होगी। अच्छा एयर के बाद में क्या लिखा हुआ है, एयर के बाद, और एयर के बाद में किसकी होगी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की होगी क्योंकि जो चिमनी होती है उससे क्या होती है, कई सारी गैसेज उसके साथ में निकलती है, कई सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, कई सारा कार्बन वगैरह जो बर्न होता है वो भी उसके साथ निकलता है, तो वो जो गैस होती है वो, अब वो पता है कि ऐसा तो नहीं चिमनी से बाहर, जैसे कोई चिमनी है, चिमनी तो जान रहे हो ना, फैक्ट्री वगैरह इसके अंदर होती है, जब उसके अंदर कुछ बर्न होता है तो उसमें से धुआं निकलता है बाहर की ओर, देखा होगा आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है ऐसा। तो ये जो बाहर आपको दिख रही है जो एग्जॉस्ट गैसेज निकल रही है, क्या हमेशा ऊपर ही रहती है, क्या नीचे नहीं आती, क्या आती है, ये कुछ टाइम देखना वो नीचे आके क्या जाती है, ऐसे जम जाती है। तो ये नीचे नीचे क्यों आ जा रही है, क्योंकि इसका इसका कुछ ना कुछ इसका वेट है, तभी तो नीचे आ पा रही है। तो ये क्या होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है एयर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए सेकेंड नंबर पर क्या आएगा बच्चों, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, है ना, एग्जॉस्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएगा याद, एग्जॉस्ट। अच्छा थर्ड नंबर पे क्या आएगा, हनी आएगा, वाटर आएगा, चौक आएगा, कॉटन आएगा, आयरन आएगा। तो आपको दिमाग लगाओ कि हनी ज़्यादा गाढ़ा होता है या वाटर ज़्यादा गाढ़ा होता है। अच्छा वाटर ज़्यादा गाढ़ा होता है या चौक ज़्यादा गाढ़ी होती है, चौक ज़्यादा होती है या कॉटन, कॉटन या फिर आयरन। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि अगर मैं वाटर के अंदर रखता हूँ, वाटर पहले इन दोनों में कंपेयर करो, आप कंपेयर करो पहले वाटर और हनी में, इन दोनों में कंपेयर करो कि इन दोनों में से कौन सा गाढ़ा होता है, मालूम है हनी ज़्यादा गाढ़ा होता है, इस हिसाब से डेंसिटी, अच्छा उससे कम वाटर, वाटर की डेंसिटी इससे कम होती है, तो अपन को पहले लेना एग्जॉस्ट गैस से तो ज़्यादा होती है वाटर की, तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वाटर से भी कुछ हल्का होता है क्या, देखो वाटर से भी हल्का होता है, क्या होता है वाटर से हल्का, कॉटन, क्योंकि आप देखो कॉटन, कॉटन यानी कपास, अगर आप कॉटन को वहाँ पर रखते हो कहाँ पर, पानी के अंदर, तो क्या करेगा, पानी के अंदर जैसे रखा डेढ़ डूब के जैसे बिल्कुल बॉटम पे चल जाएगा, क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता है ऐसा, क्या होता है जैसे आप उस पर रखोगे तो ऊपर ही रह जाएगा, तैर जाएगा। क्यों तैर जाता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है बच्चों बहुत कम होती है। तो कह सकते हैं कि एग्जॉस्ट के बाद में किसका नंबर आएगा, किसका आएगा, हमारे कॉटन का, तो थर्ड नंबर पर बच्चों निकल के आता है कॉटन। फोर्थ नंबर पर इससे इससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, वाटर की होती है। वाटर से ज़्यादा किसकी होगी, चौक की, है ना। अब चौक ऐसा नहीं कि पानी में तैरती, चौक पानी में नहीं तैरती, आप चौक को पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। अच्छा चौक से बात ज़्यादा किसकी होती है,
उसके बाद में होती है बच्चों हनी की। हनी आपको मालूम है टफ होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है हनी। और हनी के बाद में लास्ट क्या बचा हमारा, आयरन। आयरन तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये आप ले सकते हो, आप लोग को इसके कुछ एग्जांपल, ठीक है। अब अगर इसमें आप, अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखना चाहो ना, जैसे कि अगर मैं इसको समझूं कि इधर से स्टार्ट करते उल्टा, अगर मैं इसको अपोजिट साइड में अगर लेकर चलते अपन, जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर अपोजिट साइड में लेकर चले ना, तो इसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसके ऊपर ये रह जाएगी। जैसे कि आयरन के ऊपर कभी हनी नहीं रह पाएगा, मतलब अगर हनी में आयरन डाले तो बताओ आयरन हनी को नीचे चला जाएगा। अगर हनी को चौक में डाले, मतलब चौक को हनी में डाले तो क्या होगा, चौक हनी के ऊपर रहेगी, अंदर चली जाएगी, चौक पे तैरेगी। मतलब कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर, और कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, सॉरी मैंने आपको हो सकता है अभी कन्फ्यूज़ कर दिया हो, तो कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो जिसका जो थोड़ी जो हार्ड होती है, टफ होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो सॉफ्ट होती है, जिसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, वो उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। चलिए चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टेबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैंने करवाया लास्ट वाली वीडियो के अंदर, उसमें आप देख सकते हो तो अच्छे से समझाया था। और इसके अलावा ये कुछ टर्म है कि कमेंट द अपॉन द फॉलोइंग टर्म, इन टर्म्स को आपको समझना है क्या होती है। सबसे पहला आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी देखो, वर्ड बना है रिजिड से, किससे बना है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब समझ सकते हो आप कि कितना टफ, तो अपन नहीं कह सकते हैं कि रिजिड होता है ना, कितना ठोस हो सकता है, ठोस समझ सकते हो कि भैया कहते हैं ना कि अगर कोई आप एक 20 kg, अगर कोई भी अगर 20 किलो का अगर कोई वजन है, कोई बाट है, अगर उसको आप रखते हो तो क्या वो इजीली रिज वहाँ से मूव कर जाएगा या नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि वो रिजिड है। रिजिड से मतलब कि फिक्स है, कि कौन सी चीज़ कितनी फिक्स होती है उसी के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे अपन को फिक्स और रिजिड किसके बारे में देखना है, तीन चीज़ों के बारे में देखना है। किसके बारे में, एक तो है गैस, कौन सी है गैस, एक तो बारे में गैस, एक तो गैस के बारे में, अरे एक मिनट, एक तो हमको देखना है गैस के बारे में, एक देखना हमको लिक्विड लिक्विड के बारे में, और तीसरा देखना अपन को सॉलिड के बारे में। इन तीनों में कंपेयर करना अपन को। तो बताओ कि इसमें रिजिड कौन सी होती है, रिजिड से मतलब उसका जो शेप होता है, साइज होता है, वो फिक्स किस में रहता है, सॉलिड में रहता है ना हमारा, क्योंकि सॉलिड का जो शेप होता है इजीली चेंज नहीं होता, तो सॉलिड रिजिड होती है, लिक्विड उससे कम होती है, इजीली वो चेंज हो जाता है, इसका शेप अगर कर सकते हैं अपन, जिसमें डालोगे वैसा शेप लेगा। गैस तो और ज़्यादा ही है, इसका शेप तो और इजीली चेंज होता है, जिस कंटेनर में रखोगे वो वैसा ही शेप ले लेगा। तो ये इसका डिफरेंस, रिजिड यानी कि वो कितनी फिक्स है, क्या वो इजीली चेंज नहीं कर पाए, ये इसका मतलब होता है। सेकेंड बच्चों है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का ये लिखा हुआ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग है कि अगर कोई भी अपने पास में ऑब्जेक्ट है तो आप इसको कितना कंप्रेस कर पा रहे हो, कंप्रेस कर पा रहे यानी कि दोनों साइड से प्रेशर लगा के आप इसको कितना इसका साइज में चेंज कर सकते हो। अगर आप साइज में चेंज कर पा रहे हो तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, अगर साइज चेंज नहीं कर पा रहे तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, ये कंप्रेसिबिलिटी वो क्या है, कम है। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब समझ सकते हो कि कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी किससे बना, कंप्रेस से। कंप्रेस से क्या समझ सकते हो कि प्रेशर, कि आप उसका कितना प्रेशर से लगाकर उसको कंप्रेस कर सकते हो, उसका साइज कम कर सकते हो। तो क्या हम सॉलिड का इजीली कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इजीली उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या, यस इसको किया जा सकता है। और गैस को, गैस को तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं अपन, गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए तो अपन देखते हैं कि जो LPG होती है, बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि LPG होती है वो भी किस फॉर्म में होती है, कंप्रेस की भी होती है, LPG हो गया, CNG हो गया, ये सारी कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है गैसें। तो कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया आपको, चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा वर्ड आता है बच्चों ये यहाँ पे, सॉरी फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मीनिंग है कि आपने क्या देखा, एक फर्श देखा, क्या है फर्श। अब उस फर्श के ऊपर आपको क्या करना है, एक मैं ले लेता हूँ एक गिलास ले लेता हूँ, ये मैंने ली गिलास। अब इस गिलास के अंदर मैंने क्या किया बच्चों, कुछ मैटर इसके अंदर रख दिया। मैटर मतलब समझ सकते हैं, मैटर जानते हो कुछ भी मैटर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। अब जैसे ही मैंने ये इसके अंदर लिक्विड डाला, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इस लिक्विड को इस फर्श पर गिराता हूँ फ्लोर पर, तो ये क्या जो फ्लोर पर, ये क्या यहाँ पर फ्लो कर जाएगा क्या, हाँ फ्लो कर जाएगा। तो आप कहोगे कि हाँ सर फ्लो कर जाएगा, मैं कहूँगा कि नहीं। आपका मेरा क्वेश्चन ही अधूरा था एक्चुअल में,
ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो मैटर है ना वो क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो गैस है, या फिर वो हमारा लिक्विड है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड इस पर फ्लो थोड़ी ना कर पाएगा, वो इस पर फ्लो नहीं कर पाएगा, तो आप जहाँ डालोगे वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन बात करूँ मैं लिक्विड की, अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड की, तो ये जो लिक्विड होता है ये तो ईजीली क्या कर जाएगा, इस पर फ्लो कर जाएगा। और अगर बात करूँ गैस की, तो ये तो और भी ज़्यादा, जैसे डाला इस पर फ्लो कर जाएगी। तो ऐसा कोई भी मैटर जो फ्लो कर सके यानी बह सके, क्या कर सके बच्चों, बह सके। फ्लूडिटी से मतलब है कि वो कितनी फ्लो कर सकती है, जो ज़्यादा फ्लो कर पाएगी उसकी फ्लूडिटी ज़्यादा होगी। तो अब आपको मुझे बताना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में फ्लूडिटी किसकी ज़्यादा होती है। तो एक साइड तो लेता हूँ सॉलिड, एक लेता हूँ मैं गैस, और एक लेता हूँ लिक्विड। सॉलिड, गैस और लिक्विड, तीनों में फ्लूडिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बता सकते हो क्या आप? फ्लूडिटी कौन सबसे ज़्यादा बह सकता है? तो आप कहोगे सर गैस, बिल्कुल सही है, गैस की फ्लूडिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में लिक्विड की, और लास्ट में किसकी है, सॉलिड की। सॉलिड की एक्चुअल में फ्लूडिटी होती नहीं है, वो इतना इजीली बह ही नहीं पाता वो, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है सेप। बता, सेप तो जानते हो ना आप, सेप क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे क्या समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी से आप, काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं बच्चों कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग अगर क्या कर रही होती है, वो मोशन कर रही होती है। क्या कर रही है? मोशन। मोशन से मतलब कि मूव कर रही है। जब भी कोई भी चीज़ अगर मूव करती है, मोशन करती है, तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी कब होगी बच्चों, जब कोई भी मैटर मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा, तभी उसके अंदर कोई ना कोई उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तो अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, बता सकते हो कि आप, किसकी ज़्यादा होगी, कैसे ज़्यादा होगी? तो बता सकते हो, मैंने पहले भी आपको समझाया था, जो सॉलिड होती है उसके पार्टिकल्स मूव कर पाते क्या इजीली, नहीं कर पाते हैं। जो सॉलिड होता ना, सॉलिड के पार्टिकल इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत कम होती है। लिक्विड, लिक्विड के मूव कर पाते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक होती है। और इसके बाद में गैस की बात करें, तो इसके पार्टिकल तो ऐसे मुड़ते हैं, ऐसे घूमते हैं कि पूछो मत, रोके से भी ना रोके इजीली। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो इधर से उधर मूव कर जाते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है कब, जब हम क्या कर दें उसका, क्या बढ़ा दें, बताओ बताओ क्या बढ़ा दें, कमेंट करके बताना क्या बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम डेंसिटी मैंने आपको बताई दिया, अब इसके बाद में बच्चों इसके कुछ और क्वेश्चन हैं, तो ये तो इजी है। हाँ, एक क्वेश्चन है इसके अंदर जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वो ये रहा, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। हमको मालूम है कि हाँ सही बात बोल रहा है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के मुकाबले तो लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि वो थोड़ी लिक्विड के मुकाबले उसके पार्टिकल थोड़ी दूर दूर होते हैं, थोड़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट समझ सकते हैं, या फिर थोड़ी लिक्विड फॉर्म होती है, फ्लूडिटी होती है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सॉलिड की ज़्यादा होती है डेंसिटी, और लिक्विड की कम होती है। अब डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है, इट मीन्स वो ज़्यादा भारी है। अब ज़्यादा भारी है तो वो क्या करेगी, वो अगर अपन किसी लिक्विड में रखें, वाटर में रखें, तो इजीली क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी वो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम क्या लें, वाटर लें, क्या लें, वाटर ले लें, वाटर, चलो मैं लेता हूँ कि ये कोई वाटर है। अब आपको मालूम है नीचे हमारी ये, नीचे ये लैंड होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस वाटर पे मैं रखता हूँ कुछ आइस क्यूब रखता हूँ, ये आइस क्यूब, आइस के कुछ टुकड़े रख दिए, अगर मैंने ये रख दिए, तो बताओ ये जो आइस होगी वाटर के अंदर डूबेगी या इसी पे तैरेगी, बताओ आइस तैरेगी या डूबेगी? तो आप कहोगे सर तैरेगी, ये तो फ्लोट करेगी, डूबेगी थोड़ी ना। तो सही आंसर बिल्कुल कि फ्लोट करेगी। अच्छा, फ्लोट करेगी, तो अब तो कह रहे हैं हम इसकी डेंसिटी तो क्या है, मतलब कि जो आइस तो क्या सॉलिड है, आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, इस हिसाब से तो इसके अंदर डूब जाना चाहिए, ये नीचे आ जाना चाहिए, पर फिर भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, यही आपका क्वेश्चन है बच्चों। क्या है, यही अपना का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करना है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, जो आइस होती है ना, आइस की क्या होती है कि जब वो फ्रीज होती है, जमती है, तो उसके बीचों बीच क्या होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाते हैं, ऐसे स्पेस रह जाता है,
क्या रह जाता है, स्पेस। जब वो फ्रीज होती है ना तो उसके बीच में स्पेस रह जाता है, और ये जो स्पेस होता है इस स्पेस के अंदर क्या फील होती है, एयर फील होती है। क्या होगी, एयर फील होगी, और इस एयर की वजह से ये जो आइस होती है वो वाटर में सिंक नहीं करेगी, ये उसके ऊपर फ्लोट करेगी, उस पर तैरती रहेगी। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया फिर भी सर, तो आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि जो आइस होती है ना इसकी जो डेंसिटी होती है बच्चों, ये क्या होती है, वाटर के मुकाबले कम डेंसिटी होती है इसकी, किसकी, आइस की। अब डेंसिटी इसकी कम है, और हमको मालूम है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अगर कोई भी लिक्विड है अगर उससे उसकी डेंसिटी कम है तो वो कभी डूबेगी नहीं, वो उस पर तैरती रहेगी। तो जो आइस है ना, भले ही आइस क्या हो, चाहे आइस सॉलिड हो, भले ही ये सॉलिड फॉर्म में, फिर भी इसकी क्या है, इसकी जो डेंसिटी होती है ना ये वाटर से कम होती है। अगर डेंसिटी वाटर से अगर कम है इसकी, है ना, वाटर से क्या है, अगर वाटर से डेंसिटी कम है, अगर वाटर से डेंसिटी कम हुई तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगी, उसके ऊपर तैरेगी, वाटर के ऊपर, उसके अंदर कभी डूबेगी नहीं। तो ठीक है, याद रह जाएगा बच्चों आपको। और तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, कैन मैटर चेंज इन स्टेट, क्या जो मैटर है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है क्या। मैं कहूँगा कि यस कर सकता है, कई सारे एग्जांपल है जो अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना एक ऐसे मैटर का नाम बताना। आप चाहे तो वीडियो के कमेंट कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, चाहे तो आप अपने मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप के अंदर। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा मैटर है जो तीनों स्टेट में होता है, यानी सॉलिड में भी होता है, आइस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। ये आपको आंसर करना, और यही बच्चों आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो एक तो ये होमवर्क रहा, सेकेंड होमवर्क क्या रहा आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आपको इनके सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको, है ना, ये ना क्वेश्चन इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, ग्रुप में डाल दूंगा, आप एज इट इज उनको नोट कर लेना। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और फिर इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए, और बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।